हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है सागर। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वेन्यू को दोबारा से लेके आ चुका हूँ। आज जो है इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन कराने वाला हूँ। मॉडिफिकेशन किस चीज़ में है? मॉडिफिकेशन होने वाली है इसकी लाइट के अंदर। और उसी शॉप पे आया हूँ जहाँ पे मैंने अभी कैमरा लगाया था, वही प्रिंस भाई की शॉप है बैक साइड पे। और देखता हूँ क्या चीज़ जो है इसके अंदर अपग्रेड कराने वाले हैं। बिकॉज क्या होता था यार, कहीं ना अभी रात का समय हो रहा है, इस टाइम ना थोड़ी दिक्कत होती थी गाड़ी चलाने में जब भी मैं हाईवे पे जाता था। सोचा था कुछ ना कुछ जो है मैं यहाँ पे अपग्रेड कराऊंगा अपने इस बल्ब में, जिसकी वजह से जो लाइट का थ्रो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो फिलहाल अभी अंदर चलता हूँ शॉप के अंदर और देखता हूँ क्या क्या ऑप्शन जो है यहाँ पे मिलने वाले। तो दोस्तों, मिलते हैं दोबारा से प्रिंस भाई से। तो प्रिंस भाई वेलकम। तो कैसे आप? बढ़िया। तो भाई आज ना हमें यार अपनी गाड़ी में जैसे लाइट की दिक्कत रहती है, कम लगता है रात को थ्रो, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन आप दिखाओगे आज हमें? कौन कौन से ऑप्शन है, कितने केल्विन पे जाना चाहिए, वो सारी चीजें जो है आप इस वीडियो में हमें क्लियर कर दो और हम वो चीज़ वो फिट करवाते हैं आपसे। तो बताइए। देखो पहले जो मस्ट जो चलता है 43 केल्विन। अच्छा, तो ये है अपना केल्विन। ओके, ये आपका जीवा का ब्रांड है। तो ये जीवा का ब्रांड है और ये है 4300 केल्विन। ओके, ये आपका फॉग लाइट में, रीडिंग में ये पूरा काम करता है। ओके, फिर इसके बाद आपका आता है ये, तो ये लुमिन्स का भी थोड़ा सा बता दो, ये लुमिन्स क्या चीज है? लुमिनेंस आपका ये ब्राइटनेस ब्राइटपन हो गया, इसी आ गया। ओके, तो लुमिन्स एक्चुअली देखो यहाँ ब्राइटनेस है कि कितना ब्राइट है आपकी लाइट, बाकी ये है टेम्परेचर, 4300 केल्विन टेम्परेचर है। जीवा ब्रांड, और इसके साथ कितने मतलब ईयर की वारंटी मिलेगी साथ में? अच्छा, एक साल की। थोड़ा सा एक बार खोल के भी दिखाएंगे कैसी लगती है लाइट। तो दोस्तों जीवा की लाइट देख रहे हैं। जीवा एक अच्छी ब्रांड है, जैसे हमने पहले ही बताया था आपको। यहाँ पे देखो आप, तो भाई बहुत अच्छी लग रही है, बिल्ड क्वालिटी वाइज तो बहुत सॉलिड लग रही है, बहुत सही लग रही है ये। और ये क्या होता है इसका? ये अपना लाइट को तेज करने के लिए ये है अपने। ओके, ये कैनवस बोला जाता है ना वैसे इसको? हाँ, तो लोगों इसको, तो भाई इसको जो है कैनवस बोला जाता है। बाकी यहाँ पे सेकंड जो लाइट है वो आ गई है क्रिस्टल आएगी। हाँ, ये भी काफी पुरानी ब्रांड है और अच्छी चलती है, बहुत अच्छा चलता है ब्रांड ये भी। तो यार एक ये चीज बताओ कि जो एलईडीज लगाना इलीगल तो नहीं है? बिकॉज लोगों के मन में डर रहता है कि एलईडीज लगाएंगे तो कहीं ना कहीं चलान हो जाएगा, या ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप देखेंगे जितने भी आपकी गाड़ियां आ रही है जिसमें बाइक प्राइवेट लाइट आ रही है, आप एनसीआर में जाएंगे, आप हमेशा लोग, आप शहर के अंदर लो भी चलाइए। हाँ जी, अभी आपको चलान नहीं होगा, मतलब लो बीम चलाने में चलान नहीं है, हाई बीम अगर आपको, तो आप देखो आप चाहे H4 आप नॉर्मल लगा घूम रहे हो, हाई बीम चला घूम तो भी। हाँ ये तो है, तो मतलब केल्विन का कोई फर्क नहीं है कि वाइट लाइट लगा लें, थोड़ी सी येलोइश कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई का ये कहना है। बाकी यहाँ पे क्रिस्टल आए हैं, ये भी दिखा दो एक बार खोल के, काफी पुरानी ब्रांड है और इसके प्राइसिंग है वो भी एक बार जान लेते हैं। तो मोटा मोटा आइडिया देंगे आप इसका क्या प्राइस पड़ता है ये प्रिंस वाइज का? देखिए क्रिस्टल आई है तो आपका 5100 रुपए। अच्छा, 5100 रुपए की पड़ती है विद फिटिंग वगैरह सब कुछ, और इसमें कोई टाइम तो नहीं लगता होगा लगाने में? गाड़ी के ऊपर वो रहता है। अच्छा, गाड़ी के ऊपर। ओके, हाँ थोड़ा बम्पर वगैरह जिसमें टाइम लगता होगा, बम्पर को खोलना पड़े उसमें टाइम कम लगेगा। ठीक। चलो बाकी फिर एक ऑप्शन आता है अगर किसी को ब्रांडेड चाहिए, तो ये आ गया ओसाराम का। और बात की जाए इसकी वोल्टेज की, कितने वाट की मतलब कितने है इसकी पावर, क्या है? 25 में आता है। अच्छा, 25 वाट की रहती है, तो इसकी मतलब ये कम वॉट में है। और ये जो आपकी क्रिस्टल आए हैं दोस्तों, ये है 120 वॉट, और जीवा भी आपकी 120 वॉट ही थी, बट केल्विन टेम्परेचर का देखो डिफरेंस है। ये है आपकी 6500, तो ये कूल वाइट मिलेगी, और 12000 लुमेंस ये है। यहाँ पे जो है वाइट, तो ये भी देख सकते हो आप, ओसराम भी जो है आपको वाइट लाइट ही देती है, कूल वाइट, और जो बस इसका जो है 6000 केल्विन के साथ है। हाँ। बाकी ये आ गई एडी की ब्रांड, एडी आ गया, इसमें आपको 120 वाट मिल जाएगा। ओके, 120 वाट एडी में मिलेगा, वारंटी इसकी 1 ईयर लिखा हुआ है, और इसकी 150 वाट आ गया इसमें। अच्छा, 150 वाट ये भी। हाँ। अच्छा, इसी का 150 वाट एडी। हाँ। भी अच्छी ब्रांड है क्या? हाँ, एडी भी अच्छा ब्रांड है। ओके, बाकी ये वोल्टेक जिसका, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी सुना हुआ है काफी। और इसके बाद एक ही आ गई, मोको आ गया, मोको करके एक ब्रांड है, इसके बारे में ओके हिनकार। तो भाई बहुत सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे प्रिंस भाई ने दिखा दिए हैं, और एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी लगा के हम ट्राई करते हैं। जो ये रिकमेंड करेंगे सबसे पहले वो लगाएंगे और चेक करवाएंगे आपको कि कैसा जो है रिस्पांस जो है गाड़ी में मिलेगा। थोड़ा सा ड्राइव करके भी देखेंगे और फिर बताएंगे कौन सी गाड़ी में हम लगवाने वाले हैं अपनी एलईडी। तो चलिए एक बार स्टार्ट करिए, और यहाँ मनोज भाई हैं वही जिन्होंने पहले लगाया था और वही लगाएंगे। तो स्टार्टिंग अब आप किससे करवाओगे? क्रिस्टल आई से करवा दीजिए एक बार। चलो तो दोस्तों क्रिस्टल आई लगवाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करो मनोज भाई। तो यहाँ पे देखो काम चल रहा है, और ये मनोज भाई ने पूरा का पूरा जो है आगे से बम्पर तो खोलना नहीं पड़ता, इसमें बम्पर नहीं खोलना पड़ता, बम्पर तो नहीं खोला, ऐसे ही जो है यहाँ पे लगने वाला है। और कौन सा है दोस्तों मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये जो मॉडल है ये मेरा S मॉडल है,
और इसमें बल्ब जो आता है कौन सा आता है, H4। तो भाई इसमें जो है H4 जो है बल्ब लगने वाला है, तो एक बार लगा के देखते हैं। यहाँ पे LED और कपलर टू कपलर काम होगा, ये भी कपलर टू कपलर होगा, तो एक बार दिखा दो यार कैसे करने वाले हो आप। बल्ब खोल दिए, ये कपलर है ओके, और इसका जो ओरिजिनल कपड़ा है ये रखा है। अच्छा, अच्छा बस बस कनेक्ट करना है, बस है। तो दोस्तों एक बार लगा के देखते हैं कैसा रिस्पांस मिलेगा। पहले ये हम नहीं फंसाएंगे। ओके तो दोस्तों ये जो है 6500 केल्विन है, तो कूल लाइट मिलेगी। और जैसा आपको पता है कि इस नई वाली वेन्यू के अंदर कोई भी आपको फॉग लैम्प नहीं मिल रहे, तो देखते हैं कितना अच्छा जो है इसका थ्रो मिलेगा हमें। और लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि ये सिर्फ कपलर टू कपलर होने वाला है, कुछ एज सच आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये आप अगर आप लगाना चाहें तो आप यहाँ से ले जाके अपने घर पे भी खुद भी आप ये चीज़ लगा सकते हैं, बिकॉज कोई भी वारंटी वॉइड नहीं होने वाली, कोई वायर कटिंग कुछ भी जो है आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा इस चीज़ में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है LED लगा दी है और ये देखो आप उसका थ्रो, तो ऐसा कुछ थ्रो रह रहा है। अभी हाई बीम पे, लो बीम पे, ये लो बीम पे और सामने देखो आप, यहाँ पे आप लाइट देख रहे हो कितना डिफरेंस आ गया। ये लो आ रही है ना, अब हाई करना, तो भाई ये है हाई, तो थ्रो तो काफ़ी अच्छा आ रहा है। एक बार जो है चला के देखेंगे, फिलहाल आपको आगे से दिखाता हूँ। A few moments later. तो दोस्तों अब जो है ट्राई करते हैं, तो देखो अभी बहुत, अभी तक मेरा ये ना लो बीम पे है देखो, और काफी बढ़िया जो है लाइट थ्रो कर रहा है फिलहाल तो। और ये देखो ये है इसका हाई बीम और ये है लो बीम। तो दोस्तों थ्रो की बात की जाए, देखो अभी तक तो बहुत ही सही लग रहा है, और जो पहले हैलोजन लगा रखे थे उससे तो काफी ज्यादा जो इम्प्रूवमेंट है। तो दोस्तों अब ट्राई करने वाले हैं जीवा वाली LED, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो काफी जो बिल्ड क्वालिटी है ना इसकी वो काफी ज्यादा शानदार है, ये देखिए आप। तो भाई ये चीज अच्छी है, बाकी अब देखते हैं इसका रिस्पांस कैसा है। ये जो है आपकी 4300 जो है केल्विन के अंदर है, कहीं ना कहीं जो ये है इसमें हमें नेचुरल जो है वो कलर मिलेगा, वाइट नहीं रहेगी, कूल वाइट। तो एक बार रिस्पांस चेक करेंगे। फिलहाल जो है बिल्ड क्वालिटी में मुझे ये क्रिस्टलाइज से भी ज्यादा जो है सॉलिड लग रही है। फिलहाल अब चेक करते हैं मनोज यहाँ लगा रहा है, और उसके बाद जो है टेस्टिंग करेंगे इसकी भी। ये जो लाइट है वो कुछ ऐसी दिख रही है अभी आप देख ही रहे हैं, तो थ्रो है इसका अभी तक जो हमने चेक किया काफ़ी बढ़िया निकला रिजल्ट, अभी तक जो है मुझे इसका सबसे बेटर लगा है बाकी। तो दोस्तों अब जो है यहाँ पे जीवा वाली LED को ट्राई कर रहा हूँ, एंड दिस इज दी 4300 केल्विन वाला टेम्परेचर जो आता है। और अभी जो है ना इसका देखो, अभी जो लो बीम किया हुआ है तो थ्रो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एज कम्पेयर टू अगर मैं क्रिस्टल आई की बात करूँ तो इसका थ्रो ज़्यादा बेटर है उससे। और अब देखो ये रहा इसका हाई, तो इसका हाई भी जो है उससे तो काफ़ी बेटर लग रहा है यार। क्रिस्टल आई से मुझे जो है LED में थोड़ा सा जो दम है वो ज्यादा लगा, बाकी हल्की फुल्की और टेस्टिंग एक बार देख लेते हैं। आप ये देखिए सामने विजिबिलिटी कितनी बढ़िया है, एक बार सामने चल के दिखाते हैं। इस सामने खाली जगह है और यहाँ जो है एक्चुअली चेक कर लेंगे, तो ये देखो आप, वो आप देख रहे हैं सामने तक जो है पूरी लाइट जा रही है। इसका जो लाइट है ना वो ना ज्यादा आपकी येलो टोन पे है, ना ज्यादा जो है आपकी व्हाइट टोन पे है, मतलब जो है इसका थोड़ा सा आपको बोल सकता हूँ गोल्डन टाइप का जो है इसका टेम्परेचर है। ये अभी लो बीम पे है तो काफी अच्छा जो है यहाँ पे मिल रहा है थ्रो। और ये देखो हाई, तो हाई पे भी अच्छा है, बाकी ये हेडलाइट लेवलर के थ्रू जो है आप इसको ऊपर नीचे जो है कर सकते हो। तो ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा मैं चलाता हूँ। बाकी ये जो लाइट है ये जल्दी आपकी किसी भी मतलब दिक्कत नहीं करने वाली, किसी को भी मतलब आगे जो सामने आ रहा होगा ना तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सामने वाले की आंख में ज्यादा पड़ रही है। बाकी कोशिश ये करिएगा कि जब भी आप लें और चलाएं ना तो लो बीम पे कोशिश करना आप चलाएं, बाकी जो है ये तो आपकी सिर्फ जो मेन रहती है डिपर वगैरह के लिए रहती है हाई बीम, तो ये चीज रही। तो बाकी मुझे जो है इसका थ्रो जो अब तक बढ़िया लगा है, बाकी एक बार जो है अपनी AD वाली जो है वो भी ट्राई कर लेते हैं और उसके बाद जो है फिटमेंट कराते हैं। फिलहाल तो अभी दिल को जो छुई है वो मुझे ये तो बहुत ज्यादा ही पसंद आई है, इसका जो थ्रो, इसका जो रिस्पॉन्स है वो काफी बढ़िया है। सो अब बारी आई है AD वाली की, जो कि ये भाई के हाथ में है। देखने में एकदम सिमिलर लग रही है आपको जैसे जीवा वाली थी, बट ये है कूल वाली, इसमें आपको व्हाइट लाइट मिलेगी, प्लस जो है ये जो आपकी है 150 वॉट है। एक बार चेक करते हैं, फिलहाल एक साइड में लगा के एक बार चेक करते हैं दोनों साइड में क्या डिफरेंस रहता है। एक तरफ व्हाइट चलाएंगे और एक तरफ ये जो AD वाली, एक तरफ जलाएंगे वो जीवा वाली और एक तरफ जलाएंगे ये AD वाली, और फिर डिफरेंस जो है वो चेक करते हैं। यहाँ पे जो है लाइट लगा दी है और एक बार जो है इसका थ्रो चेक करते हैं। तो भाई एक बार जलाइए यार, तो एक बार जो है चेक करते हैं कैसा जो थ्रो मिलने वाला है। तो यहाँ देखो सामने से देखेंगे, तो भाई स्टार्ट, तो ये देखिए
एक तरफ आपको येलो टोन मिल रही है, दूसरी तरफ व्हाइट टोन मिल रही है। एक बार फ्रंट पे जाके देखते हैं। फिलहाल देखो यार ट्रैफिक ज़्यादा है तो सामने जाने में थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही है, एक बार ट्राई करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से देखो आप थ्रो कैसा दिख रहा है, एक बार हाई बीम करना, हाई और लो करना। तो भाई ये रही हाई बीम और ये रही लो बीम। तो फिलहाल जो थ्रो अभी भी मुझे भी लग रहा है वो इस स्लाइड पर ज़्यादा लग रहा है, आप देखो, और फोकस भी कितना बढ़िया आ रहा है उसका। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि जीवा पे जाना ज़्यादा अच्छी चॉइस रहेगी, तो चलते हैं और जीवा को इंस्टॉल करवाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मनोज ने यहाँ पे जो है जीवा वाली LEDs को दोबारा से इंस्टॉल कर दिया है। थोड़ा सा काम जो है उसका बढ़ा दिया है, बट फिर भी जो है भाई ने कर दिया है काम। और बाकी पार्किंग में ये वाइट वाले जो हैं बल्ब्स लगवाए थे, और अभी जो है रिस्पॉन्स दोबारा से चेक कर लेते हैं। और बाकी एक डेडिकेटेड जो वीडियो है इसकी लाइट पे मैं ज़रूर लेके आऊँगा। फिलहाल तो आज जल्दी जल्दी में जो बनाया है आपके लिए, बट एक प्रॉपर जो है टेस्टिंग लेके आऊँगा कि रात में एक्चुअल में जो क्या रिस्पॉन्स है वो इस LED का रहता है। तो फिलहाल होने वाला है, थोड़ा सा काम रह गया बस। ये देखो ये जो कैप है ये लग जाएगी, जो आपका कैनवस जो आता है ना उसके साथ, वो अंदर ही जो है उसके बिल्कुल फिट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा जैसे यहाँ पे हुआ। ये देखो यहाँ पे जो काम हुआ है इसके अंदर है सब कुछ जो सेटअप है। तो ये चीज़ है, कोई भी आपकी जो डस्ट वगैरह है वो चीज़ आपकी इसमें नहीं जाने वाली, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल बस होने वाला है, निपटने वाला है ये काम। A few moments later. So, यहाँ पे डन हो चुका है, और एक बार मैं आपको फिर से रिस्पॉन्स जो है इसका चेक कराता हूँ। ये देखो आप दोबारा से जो रिस्पॉन्स है आप इसका देख सकते हो, बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स है। ये आ गया इसका हाई, ये आ गया इसका लो। दोस्तों यहाँ पे जो है ये वाली जो जीवा वाली LED थी ना 4300 केल्विन 1200 लुमेन वाली, ये इंस्टॉल करा दिया है। एक साल की वारंटी है इसकी। बाकी देखो प्राइस की बात की जाए तो प्राइस मुझे बहुत ही सही मिला। अगर आप दिल्ली वगैरह जाते हो तो काफ़ी महंगी पड़ती है यार। मैंने ट्राई किया था, ये लगभग वहाँ पे 7,500 रुपये की दे रहे थे, और मुझे जो प्राइस दिया है प्रिंस भाई ने बहुत बढ़िया प्राइस दिया है, 6,000 रुपये की दी है सिर्फ। जिस हिसाब से मतलब ये जो क्वालिटी है उस हिसाब से बहुत ही शानदार है। तो बाकी अब जो रिस्पॉन्स है इसकी पूरी वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड बनाऊंगा। फिलहाल अब मैं इसको चलाता हूँ। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को कर देना सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर देना लाइक। मिलेंगे अच्छी अच्छी वीडियो लेके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।